बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राइजन टाइम में एक और नई वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वज़न को बढ़ाने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्ल्स के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत वो परेशान हैं वज़न को बढ़ाने के वाले से। तो आज हम इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरा चैनल राइजन टाइम सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की मालूमती वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले मिल सकें। तो जैसा कि वज़न का जो मसला होता है, अक्सर ये कि इस वज़न की वजह से जिनका वज़न कम होता है उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तो ये कि जिसामत बहुत बुरी लगती है, कपड़े और फिटिंग कोई अच्छी नहीं लगती। साथ में ये है कि अगर ज़्यादा कमज़ोरी हो जाए तो आपको जो है हैज़ के मसाइल भी हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर ज़्यादा वीकनेस हो जाए तो सर दर्द का रहना, पट्ठों का खिंचाव होना और टांगों में बेचैनी रहना। तो वज़न जो है अगर हमारा कम है और वीकनेस अगर उसके अंदर आ जाए तो यकीन करें, बिलीव मी, ज़िंदगी जो है गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपने वज़न को मेंटेन रखें, अपने वज़न को जो अच्छा, ऐसा भी होता है कि मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैं सब कुछ खाता पीता हूँ या सब कुछ खाती पीती हूँ, उसके बावजूद मुझे नहीं लगता। मैं ड्राई फ्रूट्स भी खाता हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक कहाँ से आ गई यहाँ पर, तो बस अखबार कोल्ड ड्रिंक तो मुझे बहुत बुरी लगती है, दूध भी पीता हूँ और इसके साथ ही मशरूबात वगैरह हर चीज़ में खाता हूँ, मुझे नहीं लगता, मुझे इस तरह के कुछ टैक्स आते हैं। तो याद रखें कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे खाने जो हैं हमें नहीं लगते, क्योंकि हमारे अंदर का इंटरनल प्रॉब्लम्स जो है, हमारे जो इंटरनल सिस्टम है वो सही नहीं चल रहा होता। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने रोजाना रात को, जैसे कि हर कोई दूध पीता है, अगर आप नहीं पीते तो इस वीडियो के बाद आपको पीना पड़ेगा क्योंकि ये दूध का नुस्खा है। आपने ले लेना है एक गिलास दूध, अगर बाड़े का मिल जाए, यानी कि भैंस का, गाय का या बकरी का तो बेस्ट है, वरना क्या कहूँ, बस क्योंकि यही बेस्ट है। हम खुद जो है कोशिश करते हैं कि गाय का दूध ही मिल जाए, वो भी गनीमत है। तो आपने वो दूध ले लेना है। इसके साथ आपने एक गिलास दूध में जो एक चम्मच इस्पागोल का छिलका, जिसे सत इस्पागोल भी कहते हैं, वो आपने इसके अंदर मिला लेना है। अच्छे तरीके से मिलाने के बाद फूलने से पहले पहले आपने उसे पी लेना है। इंशाल्लाह ताला आप ये अमल 30 दिन करेंगे, 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट जो है नजर आना शुरू हो जाएंगे, आपका वजन इंक्रीज होना चलेगा। इसके साथ ही आपको चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना भी दूर हो जाएगी। बहुत ही अच्छा नुस्खा है। इसके साथ अगर आपको मैदे के मसाइल भी हैं तो वो भी बहुत जल्द हल होना शुरू हो जाएंगे। कफ्स के लिए भी बेस्ट है ये। इसके साथ ही अगर किसी को मोशन लग रहे हैं तो हम इस्पागोल का छिलका, आपको भी ये छोटी मोटी चीज़ें घर में हर किसी को पता होती हैं, तो इस्पागोल का छिलका खाने से मोशन वगैरह भी रुक जाते हैं, तो पेट के निज़ाम को दुरुस्त करता है और साथ में वज़न को बढ़ाता है इस्पागोल का छिलका और दूध, वो भी रात को सोते वक्त पीने से। याद रहे कि आप दूध पी के कभी नहीं सोया करें। दूध पीने के तकरीबन 15 या 20 या 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद हल्की फुल्की वॉक करके फिर सोया करें, ताकि हजम हो जाए। तो आज की शॉर्ट वीडियो थी, तो मैंने सोचा आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी अपनी बातें सुन के। वैसे यकीन करें, मुझे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आते हैं कि आप बड़ी वीडियो ही बनाया करें, क्योंकि आपकी बातें बहुत अच्छी होती है और बहुत मज़ा आता है सुनने में। लेकिन बस कुछ पीपल्स हैं, जैसे कि हमारी ये मक्खी है जो हमें तंग कर रही है हवा के लाइट की वजह से, इस तरह कुछ लोग हैं जो चुपकू होते हैं और वो वीडियोज़ को पसंद नहीं करते और कुछ जो है डिसलाइक आ जाते हैं। लेकिन जब मैं लाइक्स को देखती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, कहाँ 3000 लाइक और कहाँ 200 डिसलाइक, तो कोई भी दुख नहीं होता। तो खैर, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसी वजह से, क्योंकि मैं अपना ट्रेंड देखकर आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों की सपोर्ट देख के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।